हाय एवरीवन, कल मैंने आपको बताया था मेरा जो पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसका एक इंडिकेटर आपके साथ शेयर किया था, वो था व्यू अप। ओके, तो आज ये हो गया हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट में आपको मैं क्या बताऊंगा, मेरा एक और इंडिकेटर है कौन सा, बहुत ही कॉमन इंडिकेटर है जो मैक्सिमम 99% ट्रेडर्स यूज करते हैं, जो है मूविंग एवरेज। ओके, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं MA। ओके, बहुत टाइप्स का मूविंग एवरेज होता है, तो हम आज यूज करेंगे ओनली मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज हमको क्या बताता है, हम 20 पीरियड्स का मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं, 50 का, 200 का, 100 का, तो जितना भी पीरियड्स का मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे तो उतने दिन का जो एवरेज है प्राइस का वो हमको बताएगा। ओके, अगर हमने यूज़ करा है 200 मूविंग एवरेज, तो 200 कैंडल का जो एवरेज होगा वो प्राइस हमको दिखाएगा, वो एक मतलब लाइन के हिसाब से चार्ट पे हमको शो करेगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं आपको लगाना कैसे। सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है अपना चार्ट, ओके, ट्रेडिंग व्यू पे। उसके बाद आपको जाना है इंडिकेटर का सेक्शन पे, जहाँ पर FX के हिसाब से लिखा होगा। तो ये मैं फाइल्स का ट्रेडिंग व्यू यूज़ करूँ, यहाँ पर सिर्फ FX लिखा हुआ है, इंडिकेटर नहीं है। तो सिंपली आपको जाकर सर्च करना होगा मूविंग एवरेज, तो यहाँ पर आ गया है, देखिए ओनली मूविंग एवरेज जो है उस पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रीन कलर का मेरा मूविंग एवरेज लग चुका है। तो अब हमको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर सेटिंग्स पे जाना होगा मूविंग एवरेज का। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सेटिंग्स पे आप जाएंगे, इसके बाद आपको एक सेक्शन मिलेगा इनपुट, एक सेक्शन मिलेगा स्टाइल। इनपुट पे आपको लगाना पड़ेगा 200, क्योंकि 200 मैं यूज़ कर रहा हूँ और इस वीडियो में आपको 200 मूविंग एवरेज का बारे में सिखाऊंगा, इसलिए। ओके, आप कोई सा भी मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पे भी आप ट्रेड ले सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा एक अलग सा वीडियो में। तो आज बताऊंगा 200 मूविंग एवरेज के बारे में। बेसिकली ये जो 200 मूविंग एवरेज है, इसके हेल्प से ट्रेड बहुत ही कम जनरेट होता है। बट मैं टेक्निकल एनालिसिस जब मार्केट का मतलब चार्ट एनालाइज करता हूँ, तब मैं देखता हूँ, तब मुझे बहुत ही हेल्प करता है। तब मुझे पता चलता है कि 200 मूविंग एवरेज के पास में है, कि अगर पास में है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। अगर 200 मूविंग एवरेज के नीचे है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर 200 मूविंग एवरेज है तो बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तरह काम करता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग। इसलिए 200 मूविंग एवरेज को देखना चाहिए। और 200 मूविंग एवरेज हम जब देखते हैं तो बेसिकली हमारा टाइम फ्रेम जो है थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे वीकली, डेली, मंथली या 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर्स का ऐसा होता है। तो आज मैंने ओपन कर लिया ये हिंडाल्को का चार्ट और 1 आवर का टाइम फ्रेम है। देखिए हम ट्रेड कैसे करते हैं और हम क्या देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस, ये सब कुछ आपको बताएंगे। और उससे पहले क्या करो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि इन फ्यूचर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। इसी के साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाओ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर रोज अच्छा खासा इंटरडे कॉल्स यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ मैं, जिसके हेल्प से अच्छा खासा प्रॉफिट आप गेन कर पाओगे। ओके, तो आप यहाँ पर देखो, जब भी प्राइस 200 मूविंग एवरेज के पास आता है तो यहाँ से सीधा रिवर्स होकर ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस 200 मूविंग एवरेज तक आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर सीधा ऊपर की तरफ भागा और बहुत ऊपर चला गया। ओके, ये एक सिनेरियो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं और कहाँ तक आया है। देखिए यहाँ पर आया 200 मूविंग एवरेज पे, मार्केट क्लोजिंग दिया, गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद दोबारा ब्रेकआउट देकर ऊपर की तरफ चला गया। तो अब थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 200 मूविंग एवरेज पे आया, सीधा ऊपर चला गया। ओके, 200 मूविंग एवरेज के पास में आया, सीधा ऊपर चला गया। तो आपको पता चल जाता है कि मार्केट जब भी 200 मूविंग एवरेज के पास आता है, तब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है तो आपको बाइंग साइड के लिए जाना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर बाइंग साइड के लिए जाओगे, मतलब रिवर्सल ट्रेड लोगे, तो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। ओके, अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ, हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन देता है, तब आप सेल भी कर सकते हो। जैसे इस केस में आप देख सकते हो 200 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और आप ये वाला जो थर्ड कैंडल है इस पे आप सेल कर सकते थे। अगर सेल करते तो यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता आपको, इस कैंडल पे भी आपको प्रॉफिट मिल जाता। ये डेली टाइम फ्रेम का है, अगर मैं यहाँ पर 15 मिनट का कैंडल लगा दूँ तो आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ चला गया ये। तो आपको देखने को मिल जाएगा इसने ब्रेक किया, अगर इस कैंडल पे एंटर करते तो देखो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट आपको मिल जाता। तो ऐसा ही कुछ स्ट्रेटजी के हिसाब से काम कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको क्या होता है, इसका जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का पॉसिबिलिटी वो थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह काम करता है और बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेकडाउन करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो ये देखिए
यहाँ पर ब्रेक डाउन किया है। अगर आप यहाँ पर एंटर करते तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा प्रॉफिट दिया है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट देता है 200 मूविंग एवरेज के हिसाब से। आप हर रोज़ तो ट्रेड जनरेट नहीं कर पाओगे, ट्रेड नहीं ले पाओगे, बट जब टेक्निकल एनालाइज करोगे, चार्ट एनालाइज करोगे, तब आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, हेल्पफुल होगा ये इंडिकेटर। ओके, इसलिए टेक्निकल एनालिसिस में ये जो है अच्छे से यूज़ करना। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ से कितना बढ़िया मूवमेंट दिया है इसने। ओके, तो अब कुछ अलग चार्ट भी हम देख लेते हैं। तो सन फार्मा है मेरी वॉच लिस्ट पे, सन फार्मा को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, दिखाते हैं आपको। देखिए 200 मूविंग एवरेज के पास आते ही मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है, आया यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ चला गया। ओके, तो आप फाइन करके रखना, आप पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग के लिए और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी ले सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग के लिए जब भी आप स्टॉक फाइन करो, तब आप ऐसा स्टॉक फाइन करो जो 200 मूविंग एवरेज के पास में है, नियर है। ओके, नीचे हो या ऊपर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नीचे है तो आप ट्रेड लेना कि रिवर्सल है और नीचे की तरफ आता है। ओके, कोई स्टॉक देखना ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर है 200 मूविंग एवरेज, तो आप एक रिवर्सल ट्रेड लेना यहाँ पर। ओके, अगर यहाँ से आपको एक अच्छा कैंडल मिलता है, बियरिश कैंडल, तो इसके नेक्स्ट जो कैंडल है अगर कंटिन्यू करता है तो आप सेलिंग साइड के लिए जा सकते हो। अगर मार्केट ऊपर है तो ऊपर आकर अगर इसको टच करके ऊपर की तरफ जाता है, ऐसा कुछ बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, तो आप बाइंग साइड के लिए जा सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिलेगा भी। तो देखिए यहाँ पर भी मार्केट सीधा ऊपर, यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया है, देखिए ब्रेक डाउन देकर अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। ओके, जब भी आप ये 200 मूविंग एवरेज लगाओ तो इसके साथ ही आप वॉल्यूम भी लगा लेना। ओके, वॉल्यूम आपको कैसे मिलेगा, सेम यहाँ पर इंडिकेटर पे जाना है, यहाँ पर वॉल्यूम को आपको सर्च करना है, तो वॉल्यूम लगा लेना। जब भी ब्रेक डाउन देता है अच्छा वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेक डाउन देगा तो आप सेलिंग साइड के लिए जा सकते हो, यहाँ पर नो डाउट। तो देखिए यहाँ पर भी मार्केट आया, कंसोलिडेट किया, इसके बाद सीधा यहाँ से ऊपर गया, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है 200 मूविंग एवरेज, और इसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ज़्यादातर यहाँ से रिवर्सल ट्रेड मिल जाता है। तो आप ये जो स्ट्रेटजी है अपना वॉच लिस्ट पे डाल लो, फेवरेट वॉच लिस्ट पे, और यूज़ करना टेक्निकल एनालिसिस पे। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डाउट हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। ओके, मैं आपका जो प्रॉब्लम होगा, क्वेरी होगा, वो सॉल्व करने के लिए कोशिश करूंगा। और गाइस हमारा प्रीमियम सर्विस भी है, अगर आपको ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, उसका लिंक मिल जाएगा। मिनिमम सा फीस है, पे करके मैक्सिमम प्रॉफिट आप हर रोज़ जनरेट कर पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट और मेरा कुछ इंडिकेटर्स है जिसके हेल्प से मैं एनालाइज करता हूँ या ट्रेड लेता हूँ, वो सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। तो आपका रिस्पॉन्स मुझे चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बहुत ही मेहनत करके ये सब वीडियो बना रहा हूँ मैं। ओके, कुछ डाउट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हेट कमेंट्स मत करना, मुझे पूछना, मैं समझाऊंगा। हो सकता है मैं जो समझा रहा हूँ आपके लिए अच्छा नहीं, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मतलब आपको समझ में ना आए तो मतलब मैं आपको ढंग से समझा दूंगा। ओके, अगर आप बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना कैसे आप लोगों को समझाना है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ तभी मुझे पता चलेगा, ऐसे तो नहीं पता चलेगा। तो बेसिकली ये मतलब कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से आप मत लेना, बस टेक्निकल एनालिसिस पे आपको ये हेल्प करेगा। जब भी आप चार्ट एनालाइज करोगे कोई भी स्टॉक का या इंडेक्स का, तब आपको डेफिनेटली ये हेल्प करेगा, आपको बता देगा कि 200 मूविंग एवरेज के पास में है, तो आपको यहाँ से रिवर्सल ट्रेड मिल सकता है, आइदर ब्रेकडाउन के लिए सेलिंग साइड के ट्रेड मिल सकता है, ये दो पॉसिबिलिटीज है। ओके, तो आपको ये मिल जाएगा, तो ये भी आपको पता चल जाएगा, तो थोड़ा सा कंफर्मेशन ऑल मिल गया, अच्छा ही है, अपना टेक्निकल जो एनालिसिस है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो ऐसे ही इम्प्रूव करते रहो, थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स इम्प्रूव करते रहो हर दिन, तो एक दिन बहुत ज़्यादा आपका जो इम्प्रूवमेंट रेट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा बकबक कर लिया, वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो गया है, आई होप आप लोगों ने वीडियो अच्छे से देखा है, समझा होगा। तो गाइज एक लाइक कर देना, मुझे अच्छा लगेगा, इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, ताकि इन फ्यूचर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम मिल पाए। हैव अ गुड डे।